Hi friends, welcome to you channel you number one. फ्रेंड्स आज यानी दिवाली का मंसून में यानी 25 अक्टूबर 2022 में डायरेक्टर इंद्रा कुमार एंड लीड रोल अजय देवगन सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड राकुल प्रीत सिंह का मूवी थैंक गॉड मूवी इंडियन थिएटर में रिलीज हो चुका है। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे थैंक गॉड मूवी का रिव्यू, बजट, स्किन्स एंड मूवी का एक्सपेक्टेड कलेक्शन। फ्रेंड्स सबसे पहले इस मूवी का रिव्यू के बारे में बताए तो फ्रेंड्स थैंक गॉड मूवी को दर्शकों ने पसंद किया है, बट क्रिटिक्स ने इस मूवी को बहुत बढ़िया रेटिंग नहीं दिया है। ज्यादातर क्रिटिक्स के मुताबिक थैंक गॉड मूवी एक बिलो एवरेज फिल्म है और इसीलिए इस फिल्म को लगभग 2 स्टार मिला है 5 में से, जो अच्छा रिव्यू नहीं है। एंड इस मूवी का स्किल्स के बारे में बताए तो फ्रेंड्स इस मूवी को राम सेतु मूवी से कम स्किल्स मिला है, लगभग 2700 स्किल्स मिला है थैंक गॉड मूवी को। जहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार मूवी का बजट भी राम सेतु से कम है, थैंक गॉड मूवी का बजट है लगभग 90 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स आप चलिए बताते हैं इस मूवी का ओपनिंग डे कलेक्शन। आपको बता दें फ्रेंड्स जहाँ पर राम सेतु का एडवांस बुकिंग था लगभग 40,000 टिकट्स, वहीं पर थैंक गॉड मूवी का एडवांस बुकिंग था लगभग 26,000 प्लस टिकट्स, यानी फिल्म का एडवांस बुकिंग था लगभग 1 करोड़ रुपया के आसपास, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एंड मूवी का मॉर्निंग शोज एंड इवनिंग शोज भी बहुत बढ़िया नहीं हुआ है, जिसके चलते मुझे लगता है थैंक गॉड मूवी आज यानी ओपनिंग डे में कलेक्शन कर सकते हैं लगभग 7 से 8 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। हालांकि थैंक गॉड मूवी का एक्सपेक्टेशन कलेक्शन था इस दिवाली के हॉलीडे में लगभग 12 से 13 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन कितना हो सकते है, आप मेरा कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। So, इस वीडियो में जितना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।